देश में जिन लोगों ने हुकूमत किया, आज़ादी के बाद बिहार के साथ अन्याय होता रहा। एक लंबे अरसे के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिला, यह भी सच है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लंबे समय से बिहार की ये मांग रही है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। कई दफ़ा इसे पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया गया, चुनाव के वक्त इस मुद्दे को खूब भुनाया गया, सियासतदानों ने इस पर खूब सियासत की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुले मन से इस बात के लिए आग्रह किया कि आप पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, वो भी तब जब प्रधानमंत्री खुद बिहार आए हुए थे, पटना आए हुए थे। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछा था संसद में। केंद्र सरकार की ओर से जवाब सामने निकल के आ गया है कि पटना यूनिवर्सिटी को फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलने जा रहा। कि सवाल के जवाब में ही कटु सिंचाई छिपी हुई है। यह सच है कि बिहार, हम लोग लगातार यह बोलते रहे हैं कि देश में जिन लोगों ने हुकूमत किया, आज़ादी के बाद बिहार के साथ अन्याय होता रहा। एक लंबे अरसे के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिला, यह भी सच है। यह भी सच है कि राज्य सरकार ने पूरे उदारता के साथ भूभाग उपलब्ध कराया और आज केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में कार्यरत है, यह निश्चित रूप से आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद। लेकिन जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, जो हमारी समृद्धि रही है, बौद्धिक विरासत रही है, उसके प्रति भी सम्मान का भाव, तो पटना विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता था। और इसके एक दो उदाहरण नहीं हैं, अनगिनत उदाहरण हैं कि दुनिया के अंदर में बौद्धिक जगत में जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों का और देश के संघ लोक सेवा आयोग से लेकर विभिन्न परीक्षाओं में जो इनकी सफलता अर्जित किया है, तो ये तो हमारा धरोहर है। बड़े बड़े लोग इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि भाई जब इस ऐतिहासिक विरासत को रखना है तो आवश्यकता तो है, जो ये कहा गया कि आवश्यकता के अनुसार तय किया जाएगा, तो ये तो समृद्धि की विरासत है, ये बौद्धिक विरासत है। इसलिए पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, यह मानक तो इतिहास ने भी तय किया है। आपकी इस मांग को कितनी बार ठुकराएंगे, 17 में, 18 में, 19 में, अब 22 में, कब तक? देखिए, यह अलग विषय है। जब हम तार्किक आधार पर कह रहे हैं कि हम यह कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से बिहार को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं मिला, अब मिला है, केंद्र सरकार ने दिया है, यह स्वागत योग्य है। लेकिन साथ ही साथ यह भी है, सच है कि पटना विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र का ऑक्सफोर्ड था और देश के बौद्धिक जगत में इसका महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहा है, ये सर्वविदित है। तो ऐसी स्थिति में अगर विरासत के प्रति सम्मान है तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए और यह मांग हमारी अनवरत जारी रहेगी। यह हमारी मांग ही नहीं है, यह आम लोगों की सदिच्छा भी है। देश के प्रधान को बिहार पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिहार पर तो विशेष पैकेज से लेकर के विभिन्न तरह का जो आया है, लेकिन एक पटना विश्वविद्यालय का मामला है जो नहीं, तो विशेष का दर्जा भी तो आज तक आप लोगों को नहीं मिला ना। ये अलग, विशेष राज्य का दर्जा एक अलग विषय है। नहीं, देखिए, क्योंकि आप लोग भी सियासत करते हैं, विपक्ष लोग बोलते हैं कि आप लोग दोस्त हैं, दोनों की शादी भी हो गई है, तो ये कैसा विवाह है जो आप कुछ मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं और ठुकराते जा रहे हैं? अब राज्य के अंदर में देश के दुनिया के विधानमंडल का इतिहास देख लीजिए, भाई राज्य हित में तो लोग मांग करते हैं। ये तो बिहार ही ऐसा एक राज्य है जहाँ की मांग पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। अरे राज्य हित में कोई मामला हो तो सबको एकजुट होना चाहिए। अब बंगाल इसका उदाहरण है, बगल में तो बंगाल में, अगर बिहार का ही हिस्सा रहा है ना, इसलिए हमारी यह समझ है कि अगर धरोहर के प्रति सम्मान है, बौद्धिक जगत के प्रति सम्मान है, तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा का मिलना आवश्यक है, इसकी जरूरत है, आवश्यकता है। फिलहाल जो ठुकरा दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो भाई हम मांगने का अधिकार हमको है ना। उम्मीद है कि मिलेगा एक दिन। अरे अनवरत अपनी बात को तार्किक रूप से हम कहते रहेंगे, हमको उम्मीद जरूर रहेगी कि इस दिशा में सार्थक पहल होगी। देखिए, इस दिशा में सार्थक पहल होगी, अभी भी जेडीयू को उम्मीद है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के देखे हुए सपनों को झटका दिया है। वो चाहते थे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, लेकिन फिर से एक बार ना कह दिया गया केंद्र सरकार की ओर से। जेडीयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या जवाब दिया, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।